नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। और आज के दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चरक कंपनी के दिव्या सिरप से रिलेटेड। इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके MRP है, किस टाइप की प्रॉब्लम में ये सिरप यूज़ की जाती है, क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले गए हैं और कब तक आपको यूज़ करना है, इससे भी हर जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं जो चरक कंपनी की दिव्या सिरप किस लिए यूज़ की जाती है, किस टाइप की प्रॉब्लम में इसे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सिरप है स्पेशली ये यूज़ किया जाता है, देखा जाए तो अगर आपको एक ब्लोटिंग एब्डोमेन की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि आपका जो है पेट फूला रहता है, या फिर आपको जो है गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि पेट में आपको काफ़ी ज़्यादा गैस बनती है और पेट की जो गैस बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये सिरप देखा जाए तो आपके एक एक्सेसिव बर्पिंग अगर आपको देखी जा रही है तो उसको ये रिड्यूस करती है। और आपको पोस्ट मील हैवीनेस अगर देखा जा रहा है, जैसे खाना खाने के बाद आपको क्या है कि पेट भारी हो जाता है, तो उसमें आप ये सिरप को ले सकते हैं। और ये देखा जाए तो आपके डाइजेस्ट सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है, साथ ही दोस्तों आपके एक एंजाइम को दोस्तों स्टिमुलेट करती है और आपके मैथ को एक डाइजेस्ट सिस्टम को एक अच्छी स्ट्रेंथ भी ये प्रोवाइड करती है, तो उसमें भी आप इस सिरप को ले सकते हैं, जो कि डाइजेस्टिव केयर के लिए बहुत ही अच्छा ये सिरप है जो कि चरक कंपनी का है। और अगर इसकी हम MRP की बात करें कि इस MRP में ये सिरप आपको मिल सकता है, तो ये आपको मिलेगा दोस्तों 335 रुपीज़ का, जो कि अगर आएगा आपको 335 रुपये का। और ये आता है 450 ml में, 450 ml मिलेगा जो कि आयुर्वेदिक सिरप है ये। और इसे कैसे लिया जा सकता है, जिन पेशेंट को जैसे गैस की प्रॉब्लम है, जैसे बात करूँ उनको जो है डाइजेस्ट सिस्टम सही नहीं है, या फिर दोस्तों जो आपसे जो एक्सप्लेन किया है इनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण है तो इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर एडल्ट है तो एडल्ट इसकी क्या करें, 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं, जबकि लेना है ये आफ्टर मेल और आपको खाने के बाद लेना है। और अगर बच्चों में से प्रॉब्लम है तो उनके लिए आप दोस्तों 2.5 ml ले सकते हैं, जबकि 3 ईयर अबोव एज होनी चाहिए, 2.5 ml दे सकते हैं। अगर वो 3 ईयर से अबोव उनकी एज है तो उसके लिए 5 ml आप ले सकते हैं, और ये लेना है आफ्टर मेल, और जो कि आप खाने के बाद दे सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी के हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो कि आयुर्वेदिक दोस्तों ये सिरप है, तो दोस्तों ये सिरप है इसे आप कितने महीने तक यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप इसको दोस्तों कंटिन्यू यूज़ करें और अच्छे रेट के इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस अगर इस सिरप में हम इंग्रेडिएंट की बात करें, किस टाइप के इसके अंदर इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, तो इसमें देखा जाए तो द्राक्षा डाली गई है, और जैसे कि इसमें अमालकी डाली गई है, अश्वगंधा डाली गई, भृंगराज डाला गया, हरीताकी डाली गई है, और देखा जाए तो इसमें जीरा डाला गया है, और जैसे कि इसमें मैथकुसुंथी डाली गई है, और भी इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। और जो कि ये देखा जाए तो आपके स्टोमिक डिस्कम्फर्ट के लिए बहुत ही इफेक्टिव सिरप है, उसमें भी आप इस सिरप को ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें आप कुछ परहेज रख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें दोस्तों जितना हो सके आप जो है हल्का खाना लें, लाइट फूड लें, बिल्कुल भी हैवी फूड बिल्कुल भी ना लें, जो कि दोस्तों अगर आपको बादी वाली चीज़ आपको अगर अवॉइड करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो पाएगी। और जितना हो सके हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाएं, फल का सेवन करें, पानी का सेवन करें, और दोस्तों वर्कआउट भी करें, व्यायाम भी करें। ये नहीं दोस्तों खाया पिया और लेट गए तो लेटना नहीं है, पहले आपको घूमना फिरना है, टहलना है जब आप लेटें, ये आप ध्यान जरूर रखें, तभी आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो जब भी ठीक हो पाएगी। और दोस्तों मैंने इसकी कंप्लीट नॉलेज दे दी है, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो वीडियो को एंड करते वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।